और ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन वेलफेयर फाउंडेशन राज्य कमेटी की ओर से बिहार विधान परिषद स्थित सभागार में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया गया है। और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री सुमित सिंह, नगर आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह, लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह और रवि रंजन ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में साथ ही हाईस्कूल और विश्वविद्यालय के साथ अन्य सभी शिक्षण संस्थानों में लाइब्रेरियन की 10,000 से अधिक खाली पदों को भरने की मांग उठी। और 100 से अधिक पद अभी हमारे यहाँ सृजित भी हो चुका है और 2-3 कॉलेज में जब तक वो उसकी बहाली नहीं निकल रही है, गेस्ट लाइब्रेरियन के तौर पे वहाँ पे बहाली भी निकाली जा चुकी है। इसमें जो कॉलेज में अभी शुरुआत भी कर चुका है, तो हम तो चाहेंगे कि आप लोग इसकी जानकारी लीजिए और जहाँ जहाँ गेस्ट फैकल्टी में भी हो रहा है वहाँ आप लोग अपना अपना अप्लाई कर सकते हैं। और लाइब्रेरियन का जो पद है ये पद बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिहार का इतिहास है कि यहाँ खुदा बख्श लाइब्रेरी और कौन बहुत बढ़िया लाइब्रेरी अभी है। और वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि उसके जलने में वर्षों लग गए थे। ये अपना भारत का है और बिहार का इतिहास है। तो बिहार के ऐसे इतिहास को स्वर्णिम बनाने के लिए यहाँ के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो इसकी शिक्षा लिए हुए हैं, ट्रेनिंग ले हुए हैं कि लाइब्रेरी को कैसे सुरक्षित रूप से, सुसज्जित रूप से इसको चलाया जाए, इसकी आप ट्रेनिंग लिए हुए ये भी।